गुरु सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, बहुत ही अच्छा रिस्पांस। थोड़ी ही दिन में शायद तक 100 मिलियन व्यू भी टच हो जाएंगे। सो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि कैसे अप्रिशिएशन मिल रहा है अंटिल नाउ। वेरी नाइस, सब लोग बात कर रहे हैं गाने की, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले 2-3 दिन में गाने की बात होनी बहुत ज़रूरी है। वो गाना चलने में भी हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल लग सकते हैं। तो वो डिपेंड्स ऑन ऑडियंस, बट बात हो रही है गाने की, ये बहुत अच्छी बात है। सो उसके लिए सबका धन्यवाद। ओके, ये गाने में सबसे स्पेशली बात की जा रही है लिरिक्स की और जो रिमिक्स किए हैं जय सर ने, सो कैसा कोलैबोरेशन था और कैसा एक्सपीरियंस है जय भाई? वेरी नाइस, जयशवंत पाजी के हम पहले दिन से फैन हैं, व्हेन आई वाज इन स्कूल देन कॉलेज में भी, और उनके साथ काम करके बहुत अमेजिंग फील हुआ। एंड आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम द ऑडियंस एंड फ्रॉम एवरीबडी कि हमने उनके साथ गाना करा है, एंड उनका थैंक्स टू हिम। और बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छे लिरिक्स हैं, बहुत अच्छा वीडियो है, एंड एवरीबडी इज लविंग इट। थैंक यू। और गुरु भाई, आपने जो भी सॉन्ग किए हैं वो बहुत ही ब्लॉकबस्टर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए आपके जो भी सॉन्ग थे, जैसे हाई रेटेड गबरू हो गए, वो 900 मिलियन जाने वाले हैं, पटोला हो गया या कोई भी सॉन्ग होगा ये भी शायद तक चले जाएगा। सो क्या सीक्रेट है? सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि आप जो भी चूज़ कर रहे हैं वो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। सीक्रेट कुछ नहीं है यार, आई थिंक हार्डवर्क है और दिल से काम करने करो तो आई थिंक सब कुछ मिलता है। और टीम अच्छी होनी चाहिए, टीम में अच्छे लोग होने चाहिए जो सही बुरा आपको बताएं, एंड आई हैव दैट टीम। फिर रिकॉर्ड लेबल आपका सपोर्ट करना चाहिए, वो मेरे को टी सीरीज ऑलवेज सपोर्ट किया फ्रॉम डे वन, और बाकी भगवान साथ है तो सब हिट है। ओके भाजी, आज के दौर में देखा जाए तो ज़्यादातर रिमिक्स देखा जा रहा है, ओरिजिनल सॉन्ग बहुत ही कम आ रहा है, जैसे सुरमा हो गया। सो एज अ रिमिक्स के बारे में क्या कहना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री 2 पार्टों में बढ़ गई है। एक कहता है कि ये क्रिएटिविटी है एक रिमिक्स करना, और कोई कहता है कि कोई भी रिमिक्स करना कोई भी गाने को कोई एक क्रिएटिविटी नहीं है। एज अ आर्टिस्ट आप क्या सोचते हैं? भाई देखो, मैं तो ओरिजिनल ही करता हूँ, तो मेरे को मज़ा आता है ओरिजिनल गाना दे के मार्केट को, और उसमें एक तो मेरा दिमाग यूज़ हो रहा है जो भगवान ने मुझे दिया है, तो उसको यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जंग लग सकती है। दूसरा, मैं किसी के गाने को ख़राब नहीं कर रहा हूँ, अगर ख़राब कर भी रहा हूँ तो अपने गाने को कर रहा हूँ, अगर मैं खुद नए गाने बना रहा हूँ। तीसरा, आई थिंक जो कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, रोटी का साधन है, रोटी तो सबने खानी है भाई, किसी को किसी तरीके मिलती किसी को किसी तरीके मिलती है। चौथा, वही गाना करना चाहिए जिसको आप अच्छे से कर सकते हो रीमिक्स जो कर रहे हैं, और ओरिजिनल सिंगर को भी साथ लेके आ जाओ, ओरिजिनल कंपोजर को, लिरिसिस्ट को भी साथ लेके आ जाओ, ताकि उनको 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 लगे कि उनको क्रेडिट्स मिले और उनको गुड फील हो, क्योंकि कल को आपके साथ भी 10 साल बाद ऐसे हो सकता, नहीं तो अभी तो आप कर रहे हो, 10 साल बाद जब आप नहीं कर रहे होंगे तो आपका गाना अगर और कोई गाएगा तो फिर आप ये सवाल उठाओगे। उससे पहले अभी सबको इकट्ठे मिला के कर लो, रीमिक्स ही करना तो, क्योंकि ठीक है नहीं नया गाना बन रहा तो बंदे के हाथ में नहीं है ना, सब जाने नया गाना नहीं बना सकते, तो नहीं बन रहा तो कोई नहीं, उसके लिए दिल हल्का नहीं करना चाहिए आप लोग। बट किसी का गाना ले रहे हो, किसी की क्रिएटिविटी उठा रहे हो जो उसने किसी ज़माने में हिट करा था, उसको बस साथ बिठा लो, आई थिंक उसी में विन विन सिचुएशन है। और उसके बाद ये मत कहो कि दिस इज़ माई न्यू सॉन्ग, बोलो दिस इज़ देयर सॉन्ग एंड वी हैव क्रिएटेड इट। Okay, तो मन ना छोटा करो प्लीज, मन नहीं बन रहा गाना कोई नहीं, मेहनत करो। ओके, सुरमा की और एक खूबी थी कि उसकी जो लोकेशन है बहुत ही अच्छी थी, राजस्थान गिफ्टी, राजस्थान में शूट किया गया और इंडिया को बहुत ही अच्छा एक्सप्लोर किया। क्या आप मानते कि जो भी जो वीडियोस होते हैं सिंगल वीडियो ज्यादातर करके इंडिया में शूट होनी चाहिए और एक्सप्लोर करनी चाहिए, जो इंडिया में भी बहुत सारे जगह है? बिल्कुल है, बट मैं ये मानता नहीं हूँ कि इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि होना चाहिए। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस हिंदुस्तान में शूट करी हैं, बहुत बाहर करी हैं, अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग का जो माहौल रहता है, नेचर रहता है। क्या होता है कई बार आपको अलग अलग चीज़ें दिखानी पड़ती है ऑडियंस को, उनको इंटरेक्ट करने के लिए, उनको एंगेज रखने के लिए, तो उसमें हिंदुस्तान की लोकेशंस हैं, कई बाहर की लोकेशंस, कई बार अपने लोग बाहर को देख के भी बड़ा खुश होते हैं। पुरानी फिल्मों में जैसे जब 90s 2000 में फिल्में आती थी तब बाहर लोग इतना जाते नहीं थे, तो जिन फिल्मों में स्विट्ज़रलैंड दिखाते थे, शाहरुख सर की फिल्में आती थी, सलमान सर की फिल्में आती थी, गाना बाहर शूट करके आते थे, तो एक आंखों को अच्छा लगता था,
फिल्म सारी हिंदुस्तान में शूट हो रही होती थी, तो ऐसे आई थिंक मैं भी कोशिश करूंगा आधा यहाँ पे शूट करें, बाहर भी शूट करें, ताकि ऑडियंस को नई नई चीजें देते रहें। ओके भाई जी, और एक एक ये सॉन्ग में जैसे जयसॉन्ग का आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो गाना गाते और आप उनको इंटरप्रेट करते रहते, यही सेम एक सीन आपने शायद सुना भी होगा या किसी ने कहा भी रहेगा पड़ोसन में, जो हाँ। सुनील दत्त और किशोर कुमार जी ने जो किया था, मेरे को पता नहीं, अच्छा आप मुझे पता चला है, बट मेरे को पता नहीं था कि वो वहां से नहीं उठाया हमने यार, मैं बोलूं वो गिफ्टी को क्या पता उसने वहां से उठाया हो भाई, मेरे को तो अभी पता चला है इंटरव्यूज के दौरान कि वहाँ से भी रिलेट कर रहे हैं उसके साथ लोग, बट इट्स ओके अगर उठाया भी है तो भाई आई थिंक उसमें अच्छी ही बात है, क्योंकि उसमें हमने कुछ ये नहीं दिखाया कि गलत नहीं दिखाया कुछ, वो आई थिंक 5 सेकंड का सीन है और वो तो हिंदी में गा रहे थे, ये सीन अलग है क्योंकि मैं इंग्लिश आती नहीं है मेरे को गाना, तो मैं पटा रहा था लड़की को इंग्लिश गा के, है ना, तो ये हमारा सीन थोड़ा डिफरेंट है। उसमें हमने एक मूवी का गाना करा है, सो वो आ रहा है, उसके बाद मेरे सिंगल है, इस साल हम करेंगे 10-12 और गाने। ओके लास्टली सर क्या कहना चाहिए फैंस, क्योंकि बहुत सारे आपके फैंस है, क्या मैसेज देना चाहिए कुछ? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकालने के लिए, गाने को देखने के लिए, अकेले मेरे गाने नहीं सारे आर्टिस्टों के गानों को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता होना चाहिए कि आप ही की वजह से आर्टिस्ट की लाइफ होती है और चलती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से, सब आर्टिस्टों की तरफ से, और मेहनत करते रहो, खुश रहो, होली को अच्छे से सेलिब्रेट करो और दिवाली मनाओ और गुरपुरब मनाओ और हैप्पी न्यू ईयर करो, मैरी क्रिसमस करो और थैंक यू भी करो। Thank you, thank you, pleasure talking to you. Thank you.